हिंद एवरीवन, बहुत सारे लोगों को सीआरपीएफ एचसीएम के एंसवर की के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको सीआरपीएफ एचसीएम के एंसवर की के बारे में कुछ भी नहीं पता है। सीआरपीएफ अपना काम बहुत तेजी से कर रहा है मेरे भाई। आज से कुछ दिन पहले पूरे भारत के लिए 12 पास से सीआरपीएफ एचसीएम का भर्ती निकाला गया था, उसमें टोटल 1315 वैकेंसी था। उसका ऑनलाइन 4 तारीख पहला महीना सन 2023 से चालू हुआ था और लास्ट डेट 31 तारीख पहला महीना सन 2023 तक था। उसका एडमिट कार्ड 19 तारीख से निकलना शुरू हुआ और 22 तारीख से 11 मार्च तक उसका पेपर हुआ और आज 17 तारीख को उसका एंसवर की भी आ गया है और दोबारा सीआरपीएफ का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। आप सभी लोगों को पता होगा 27 तारीख से सीआरपीएफ का फिर से ऑनलाइन चालू हो जाएगा और इस बार जो सीआरपीएफ का भर्ती निकाला गया ना, इसमें टोटल 9212 वैकेंसी है और अगली बार कितना था 1315 वैकेंसी था। काफी भयंकर तरीके से सीआरपीएफ अपना काम कर रहा है। अगली बार जितने लोग सीआरपीएफ एससीए में ऑनलाइन कराकर पेपर देने गए थे उन लोगों को यह बात अच्छी तरह से पता होगा कि पेपर में मतलब 100 प्रश्न 100 नंबर के पूछे गए थे और 90 मिनट का टाइम मिला था। मैं तो पेपर देने नहीं गया था लेकिन मैं पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा था। 1/4 का निगेटिव मार्किंग था। अभी आप लोग को अपना आईडी पासवर्ड लेके सीआरपीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना आईडी पासवर्ड डालकर चेक कर लेना है कि कितना प्रश्न सही किए हो, ठीक है ना। मैं दूसरे का आईडी पासवर्ड मांग के सीआरपीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन करके चेक करने का कोशिश कर रहा था ना, तो वहाँ सर्वर काम नहीं कर रहा है। मतलब जिस तरह एसएससीडी में हुआ था सेम वैसा ही सिचुएशन हो गया है। तो अभी आप लोग का चेक नहीं हो पाएगा तो 1-2 घंटे वेट करना, 1-2 घंटे के बाद ट्राई करना हो जाएगा। कुछ ऐसे भी भाई कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, कोई भी भर्ती आती है तो वो लोग उसमें ऑनलाइन कराकर पेपर देने तो चले जाते हैं और पेपर भी वो लोग मन से नहीं देते हैं, दुखा उखा मार कर चले आते हैं, लेकिन जब उसका रिजल्ट निकलता है ना उन लोगों को पता नहीं चल पाता है, उसका आंसर की निकलता है तो उन लोगों को पता नहीं चल पाता है। लेकिन जितने भाई हमसे जुड़े रहेंगे ना उन लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा, उन लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ कौन भर्ती निकल रही है और किस भर्ती का कब आंसर की निकल रहा है, कब रिजल्ट निकल रहा है। अभी तो मैं भी मतलब सब भर्तियों में ऑनलाइन नहीं कराता था, सभी भर्ती देखने नहीं जाता था, सिर्फ इंडियन आर्मी भर्ती का इंतजार करते रहता था, लेकिन अब वो भी बहुत ज्यादा दूर जाते हुए दिखाई दे रहा है। इसलिए अब कोई भी भर्ती आएगी उसमें मैं भी ऑनलाइन कराऊंगा और आप लोगों को पल पल का अपडेट देते रहूंगा, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे क्या होता है, देखते हैं अपना जिंदगी क्या करवाना चाहती है। अपने तरफ से तो भाई बहुत ज्यादा मेहनत किए थे भाई, और जिसके लिए मेहनत किए थे ना क्या बताएं, दर्द बहुत है भाई। मैं आप लोगों को किसी दिन पूरा खुलकर बताऊंगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग जाकर अपना सीआरपीएफ का आंसर की चेक कर लेना, जितने भाइयों का सिलेक्शन हो जाएगा उन लोगों को हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और जितने लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा टेंशन नहीं लेना। उस बार तो 1315 वैकेंसी निकाली गई थी, इस बार 9212 वैकेंसी निकाली गई है, उससे ज़्यादा वैकेंसी है। अभी आप लोग को जीरो से नहीं ना शुरुआत करना है भाई, मतलब कुछ तो आप लोग को अंदाजा मिल गया है किस तरह से पेपर में पूछा जाता है, किस तरह से GK GS आता है, किस तरह से टाइम मेजर करना रहता है। तो आगे चलकर कोई भी भर्ती निकाली जाएगी अपना 100% देना है, ठीक है ना। अब जो बीत गया वो बीत गया, जो आगे आने वाला है उसको बेस्ट तरीके से कोशिश करो। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।